वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैनन के आने वाले कुछ एक कैमरों के बारे में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कैनन के आने वाले ब्लॉगिंग इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा सिस्टम के बारे में। इसकी पेटेंट्स अभी लीक हुई हैं और अगर आप इसकी डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है। तो आज हम इस कैमरे के बारे में बात करते हैं और साथ कुछ एक और कैनन के आने वाले कम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो आज हम बातें करते हैं कैनन के आने वाले इंटरचेंजेबल व्लॉगिंग कम्पैक्ट मिररलेस सिस्टम कैमरा के बारे में। अगर आप इसकी डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है और इस जैसी डिज़ाइन अभी की किसी भी एग्जिस्टिंग व्लॉगिंग सिस्टम कम्पैक्ट कैमरा की नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि कैनन एक डेडिकेटेड व्लॉगिंग रिग उन्होंने लगाई है और उसके ऊपर स्मार्ट माउंट जैसा लगा हुआ है और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये EFM माउंट की तरह ज़्यादातर दिखता है। तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इस तरह का अगर इंटरचेंजेबल लेंस कम्पैक्ट मिररलेस सिस्टम कैमरा आता है मार्केट में तो ये एक EFM माउंट के साथ आए। डिस्प्ले के सेक्शन के आप देखोगे तो डिस्प्ले की सेक्शन भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस करी गई है और ये कैमरा आराम से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास एक बिल्ट इन गिम्बल का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। सो मोर और लेस काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है और इस तरह का कैमरा अगर मार्केट में आता है तो डेफिनेटली ब्लॉगर्स इसे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो जाएगा। हालांकि इन जनरल किसी भी पेटेंट को अपने आप को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली मैं कैनन के बात कर रहा हूँ, तो 1 से 2 साल का टाइम लगता है और ये पेटेंट काफ़ी रीसेंट है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोडक्ट आना भी होगा प्रोडक्शन लाइन में तो इतनी जल्दी नहीं आएगा मार्केट में, 2022 या 23 के टाइम फ्रेम में आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये चीज़ें भी समझनी है कि कई सारे प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करा जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट अनाउंसमेंट के पहले। तो अभी तो ये EFM माउंट लग रही है बट इन केस ये फाइनल प्रोडक्शन लाइन में जब आता है तो ये किस माउंट के साथ आएगा अभी ये कहना उतना मुनासिब नहीं होगा। सो दिस आर द इनिशियल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट कैनन अपकमिंग इंटरचेंजेबल लेंस व्लॉगिंग सिस्टम कम्पैक्ट मिररलेस कैमरा। इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। कैनन की जो नेक्स्ट पेटेंट है जिसे मैंने इस न्यूज़ में रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई कैमरा कंपनी बोन कंडक्शन स्पीकर्स का यूज़ करने वाली है। और यहाँ पर एक और सरप्राइज हमें दिखता है कि यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस कैमरे के ऊपर बोन कंडक्शन स्पीकर का फर्स्ट टाइम यूज़ करा जा रहा है पेटेंट में जो डिज़ाइन हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं 7D स्टाइल का एक कैमरा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि कैनन ने 7D मार्क II सीरीज़ को तो जैसे कि रूमर से एंड अप कर दिया है और इसकी नेक्स्ट वर्सन नहीं आने वाली है। बट ये पेटेंट जो है काफ़ी लेटेस्ट है, 2020 का है और इसमें आप देखोगे कि एक 7D सीरीज टाइप का DSLR कैमरा और उसकी व्यू फाइंडर में बोन कंडक्शन स्पीकर्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं और आप जब इस कैमरे को अपने पास लाते हो अपने व्यू फाइंडर्स देख के इमेजेस खींचते हो तो ये साइलेंट मोड में थ्रू बोन कंडक्शन स्पीकर्स जो भी है नॉइज़ आपके बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, स्पेसिफिकली ऑटो फोकस एक्विजिशन नॉइज़ और शटर की नॉइज़। ये सारी जो बेसिक नॉइज़ है इन्हें आपको बोन कंडक्शन स्पीकर के थ्रू ये कैमरा ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है और फर्स्ट टाइम इन कैमरा हमें बोन कंडक्शन स्पीकर्स के डिज़ाइन देखने को मिले हैं। आई होप इन नियर फ्यूचर कैनन वो पहली कंपनी बनेगी जो ऑफकोर्स बोन कंडक्शन स्पीकर्स का यूज़ करे या इस पेटेंट के लीक होने के बाद जो एक्सक्लूसिवली द न्यू कैमरा डॉट कॉम में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, हो सकता है कि कोई और कैमरा कंपनी इसे कैनन के पहले अपने कैमरे सिस्टम में लेकर हमारे सामने आए। हालांकि कोई भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करे ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होने वाली है। ना फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कैनन से ही रिलेटेड है और इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली एक कैनन की कम्पैक्ट कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक हुई है। उसमें 12MP की स्मॉल सेंसर मॉड्यूल लगी हुई है जो कि इन जनरल कैनन अपने कम्पैक्ट कैमरे में यूज़ करता है। बट नया क्या है इस लीक्ड स्पेसिफिकेशन में, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूमर्स ये एक AI कम्पैक्ट कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम से लैस है और कहीं ना कहीं इसकी जो डिज़ाइन है इस वक्त आप स्क्रीन में देख सकते हो इस तरह की रहेगी।
सो ये देखने को बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह का कैमरा हमारे सामने आने वाला है और जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम इसके अंदर लगी हुई हो कितनी इफेक्टिव है और क्या क्या नए फीचर्स के साथ हमारे सामने आती है। तो ये थे 3 कैनन के मेन अपडेट जो हमें आपके साथ शेयर करने थे। इससे ज़्यादा और कुछ अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ आती है, रूमर्स आती है, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलना। और फाइनली वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना।